भारतीय गेंदबाजों के सामने पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक कैसा है, क्योंकि शुरू होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का बिगेस्ट मुकाबला। एशिया कप का मंच तैयार है, दोनों टीमें अपनी अपनी स्क्वाड के साथ तैयार नजर आती है। आज हम बात करेंगे गेंदबाजी डिपार्टमेंट को लेकर और कंपैरिजन करेंगे भारतीय गेंदबाजों का पाकिस्तानी गेंदबाजों के साथ। कंपैरिजन बहुत ही शानदार, मजेदार और जानदार होने वाला है, क्योंकि भारतीय गेंदबाजी यूनिट में जसप्रीत बुमराह अनअवेलेबल हैं, चोट के कारण बाहर हो चुके हैं। मोहम्मद शमी को टीम में जगह नहीं मिली और हर्षल पटेल भी चोट के कारण अनअवेलेबल ही थे। पाकिस्तान की कहानी भी कुछ इसी तरह से नजर आई। शाहीन शाह अफरीदी एक अहम मुकाबले से पहले चोट के कारण बाहर हो गए। हसन अली को भी पाकिस्तानी टीम ने अपनी टीम में जगह नहीं दी। यानी अब जो गेंदबाजी की सूची तैयार है, वहां पर मुकाबला इंटरेस्टिंग बनने वाला है, क्योंकि दोनों ही गेंदबाजी डिपार्टमेंट हल्के से कमजोर नजर आते हैं। लेकिन आज बात करेंगे कंपैरिजन को लेकर और देखेंगे किसकी गेंदबाजी यूनिट में दम है। तो चलिए शुरू करते हैं। गेंदबाजी डिपार्टमेंट में सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं तेज गेंदबाजों का, जहां पर भारतीय तेज गेंदबाज के रूप में भुवनेश्वर कुमार को हमने नंबर वन पायदान पर रखा है। छोटे कट के गेंदबाज हैं, लेकिन फिट नजर आते हैं, इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस भी दे रहे हैं। बॉल को दोनों तरफ स्विंग कराने की इस खिलाड़ी में बहुत ज्यादा क्षमता है। चेंज ऑफ पेस की कला भी इस खिलाड़ी के पास भरपूर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हार्ड लेंथ पर ये गेंद फेंकना जानते हैं, टीम को अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाते हैं, जो T20 फॉर्मेट में एक मस्ट नीडेड जरूरत होती है टीम की। और भुवनेश्वर कुमार एक अनुभवी गेंदबाज भी यहां पर नजर आते हैं। पूरी गेंदबाजी यूनिट को भुवनेश्वर कुमार लीड करते हुए नजर आएंगे, खासकर तेज गेंदबाजी आक्रमण को, क्योंकि माना जा रहा है कि भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण कुछ कमजोर नजर आ गया जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और हर्षल पटेल की गैर मौजूदगी में। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि भुवनेश्वर कुमार अपने दम पर मुकाबले को पलट भी सकते हैं। वहीं पाकिस्तान की तरफ से जो गेंदबाज है उनका नाम है हरीश रौफ। शाहीन शाह अफरीदी के बाद अब इसी तेज गेंदबाज पर सबसे बड़ा जिम्मा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल मुकाबले पाकिस्तानी गेंदबाजी यूनिट में इसी खिलाड़ी ने खेले। हालांकि टीम हमेशा इन्हें मिडिल ओवर्स में ही गेंदबाजी कराती है, और भुवनेश्वर के सामने इन्हें हमने इसलिए भी रखा क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मुकाबले पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं, अनुभवी खिलाड़ी भी हैं और कहीं ना कहीं गेंद को बहुत अच्छी तरह से फेंकने की क्षमता रखते हैं। अच्छी गुड लाइन पर गेंदबाजी करते हैं और पाकिस्तान की तरफ से तुरुपका इक्का भी साबित हो सकते हैं। UAE के मैदान पर इस गेंदबाज की बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमी है और अच्छे फिगर्स भी नज़र आते हैं। नंबर टू स्पॉट पर बात करते हैं उस गेंदबाज की जो काफ़ी यंग है, भारत के सरदार जी हैं, अभी अभी टीम में शामिल हुए हैं लेकिन IPL में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया। नाम है अर्शदीप सिंह। रोहित शर्मा के फेवरेट हैं, राहुल द्रविड भी इनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए। स्लॉग ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, जड़ में गेंद फेंकते हैं और काफ़ी कंजूस नज़र आते हैं। रन खर्च के मामले में अर्शदीप सिंह का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि इकोनॉमिकल लगभग 6.34 का लगता है। हालांकि इंटरनेशनल मुकाबले सिर्फ 6 खेले हैं, उनमें भी इन्होंने 9 विकेट हासिल किए हैं। अब इनका मुकाबला होगा पाकिस्तान के नसीम शाह से। नसीम शाह पाकिस्तान के यंगेस्ट खिलाड़ी हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं और ये भी 3 साल पहले ही पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने हैं। मात्र 19 साल के हैं लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने अभी तक कोई T20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला, लेकिन ODI में और टेस्ट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ODI में 3 मुकाबले में 10 विकेट है, अच्छी इकोनॉमी नज़र आती है और टेस्ट क्रिकेट में एक हैट्रिक भी नसीम शाह के नाम है। नसीम शाह पाकिस्तान के एक अहम खिलाड़ी और गेंदबाज इसलिए भी नज़र आते हैं क्योंकि इनके पास पेस है, और शाहीन शाह अफरीदी की गैर मौजूदगी में नसीम शाह पर पाकिस्तान बहुत बड़ा दाव खेलने वाली है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी है, और PCB की बात माने तो नसीम शाह पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहुत बड़ा निवेश करने का मन बना चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 स्पॉट की, जहां पर भारतीय गेंदबाजों की सूची में हमने हार्दिक पांड्या को जगह दी है। हार्दिक पांड्या वैसे तो ऑलराउंडर हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में देखा गया हार्दिक पांड्या ने गेंद से ज़बरदस्त कमाल किया और कहीं ना कहीं भारत को अर्ली ब्रेक थ्रू भी दिलाए। जब जब पाकिस्तान के सामने हार्दिक पांड्या आते हैं,
कमाल का प्रदर्शन करते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमें याद आता है। हार्दिक पांड्या गेंद से बहुत जबरदस्त कमाल कर सकते हैं, अच्छी इकोनॉमिकल गेंदबाजी करते हैं। 50 विकेट टी20 इंटरनेशनल के इनके खाते में हैं और इन दिनों जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं हार्दिक पांड्या, वो कमाल की नजर आती है। अब इनका सामना होगा मोहम्मद वसीम जूनियर से। पाकिस्तान की तरफ से ये ऑलराउंडर दिखते हैं और कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मुकाबलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया। बल्ले से तो करते ही हैं लेकिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट में भी वो मोहम्मद वसीम जूनियर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ हार्दिक पांड्या के मुकाबले इन्होंने टी20 इंटरनेशनल 11 ही मैचेस खेले हैं लेकिन इन 11 मुकाबलों में 17 विकेट भी इनके नाम हैं। ये भी इकोनॉमिकल हैं, लगभग 8 की इकोनॉमी से रन देते हैं। 40 रन पर 4 विकेट इनका बेस्ट फिगर नज़र आता है टी20 मुकाबले में। और दोनों गेंदबाजों का हम कंपैरिजन करें तो मुझे हार्दिक पांड्या मोहम्मद वसीम जूनियर पर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। चौथे स्पॉट पर हमने स्पिन डिपार्टमेंट को शामिल किया जहां पर है अनुभवी खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन। भारत की तरफ से ये बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, अच्छी स्पिन गेंदबाजी करते हैं। इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी है, गुगली फेंक सकते हैं, दूसरा गेंद फेंकते हैं और कहीं ना कहीं बहुत कम खर्चीले भी साबित होते हैं। IPL में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा। आर अश्विन लगातार टीम में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। 54 मैचेस अब तक खेल चुके हैं, 64 विकेट इनके नाम हैं और इकोनॉमी देखें तो कहीं ना कहीं आर अश्विन को आप 2 थम्स अप जरूर देंगे। इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 8 रन देकर 4 विकेट है। अब इनके सामने पाकिस्तान के हैं उस्मान कादिर। ये भी ज़बरदस्त गेंदबाज हैं, लेग स्पिन करते हैं, 18 मुकाबले पाकिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल के खेल चुके हैं। 24 विकेट बताते हैं कि उस्मान कादिर में भी विकेट लेने की बहुत अच्छी क्षमता है। ये भी बहुत इकोनॉमिकल साबित होते हैं, कंजूस नज़र आते हैं और बल्लेबाजों को आसानी से रन नहीं बनाने देते हैं। इनका भी बेस्ट बॉलिंग फिगर बहुत अच्छा नज़र आता है जो 13 रन देकर 4 विकेट है। अब दोस्तों बात करते हैं एक और स्पिन गेंदबाज और ऑलराउंडर की। भारत की तरफ से है रविंद्र जडेजा। ऑलराउंडर की सूची में रविंद्र जडेजा तीनों मोर्चों पर बहुत अच्छे खड़े नज़र आते हैं। बल्लेबाजी तो अच्छी करते ही हैं, वहीं फील्डिंग में भी इनका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन गेंदबाजी में भी रविंद्र जडेजा भारत के लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। 62 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले अब तक खेले, इन्होंने भी 50 विकेट लिए लेकिन इकोनॉमी टी20 के लिहाज से बहुत अच्छी है, लगभग 7 की इकोनॉमी से रन देते हैं। बेस्ट बॉलिंग फिगर भी 3 विकेट है 15 रन देकर। अब इनका सामना जिस खिलाड़ी से होगा उनका नाम है मोहम्मद नवाज। ये भी लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, क्विकर गेंद डालते हैं। पाकिस्तान की तरफ से 30 मुकाबले खेल चुके हैं, 25 विकेट इनके नाम हैं। इकोनॉमिकल भी मोहम्मद नवाज का गजब है और मोहम्मद नवाज एज अ स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरह से गेंदबाजी करना जानते हैं। बेस्ट बॉलिंग फिगर भी मोहम्मद नवाज का 11 रन देकर 2 विकेट नजर आता है। अब दोस्तों बात करते हैं एक और स्पिन गेंदबाज की, चालाक चतुर चंचल चहल यानी युजवेंद्र चहल का। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, IPL के पर्पल कैप होल्डर थे और ओवरसीज कंडीशन में हर बार अपने आप को साबित करते हुए नजर आते हैं। 62 मुकाबले इंटरनेशनल खेल चुके हैं, 79 विकेट इनके खाते में हैं। इकोनॉमिकल भी साबित होते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है जब भी विकेट की जरूरत होती है युजवेंद्र चहल हमेशा टीम को विकेट निकाल कर देते हैं। 25 रन देकर 6 विकेट इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है जो कहीं ना कहीं युजवेंद्र चहल को कमाल का स्पिन गेंदबाज बताता है। अब इनका सामना पाकिस्तान के जिस गेंदबाज से होना वाला है वो पाकिस्तान के वाइस कप्तान भी हैं, शादाब खान। गजब के खिलाड़ी ये भी हैं, बल्ले से भी बहुत अच्छा कमाल करते हैं और बहुत अच्छे इनके पास आंकड़े नजर आते हैं। 64 मुकाबले अब तक ये खेल चुके हैं, 73 विकेट टी20 इंटरनेशनल में इनके नजर आते हैं। इनका इकोनॉमी युजवेंद्र चहल से भी बेहतर है, लगभग 7 की इकोनॉमी से रन देते हैं और कहीं ना कहीं शादाब खान भी एक तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं पाकिस्तानी गेंदबाजी यूनिट के लिए। बेस्ट बॉलिंग फिगर देखा जाए तो 14 रन देकर 4 विकेट शादाब खान ने हासिल किए हैं। दोनों खिलाड़ियों में कंपैरिजन करें तो मुझे हल्के से भारी पड़ते हुए नजर आते हैं शादाब खान, क्योंकि शादाब खान गेंद के साथ साथ बल्लेबाजी भी करते हैं, वही कला युजवेंद्र चहल के पास नजर नहीं आती। अब दोस्तों बात करते हैं एक तेज गेंदबाज की जिनका प्लेइंग 11 में नाम होगा क्या, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आवेश खान जबरदस्त गेंदबाज हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, टीम लगातार इन्हें मौके दे रही है और मोहम्मद शमी से ज़्यादा इन्हें तरजीह मिली और जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुए तो आवेश खान को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया।
13 मुकाबले खेले, 11 विकेट लिए। हालांकि इकोनॉमी को ज़्यादा असरदार साबित नहीं होता, लेकिन आवेश खान में बहुत अच्छी गेंदबाजी करने की क्षमता नजर आती है। वहीं पाकिस्तान के शाहनवाज कमाल के गेंदबाज हैं। हालांकि ज़्यादा इंटरनेशनल मुकाबले खेलने का अनुभव नहीं है, लेकिन पाकिस्तान डोमेस्टिक मैचेस में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं दोनों खिलाड़ियों में यदि मुकाबला हुआ तो मुझे लगता है आवेश खान यहाँ पर बाजी मारते हुए नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो भारतीय स्क्वाड का हिस्सा तो हैं लेकिन प्लेइंग 11 में खेलेंगे क्या, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, इम्प्रेस कर चुके हैं और इमर्जिंग प्लेयर के रूप में नज़र आते हैं। नाम है रवि बिश्नोई। स्पिन गेंदबाजी में कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं स्पिन से इन्होंने सेलेक्टर्स और कप्तान को प्रभावित किया है। लेकिन प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में इन गेंदबाजी यूनिट का क्या रोल होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है जब दोनों ही टीमों के प्रमुख गेंदबाज बाहर हैं, आपकी दोस्तों क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।